आज हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जिसको आज हम नमस्ते जी, मैं संदीप और आप मेरे चैनल ट्रैवलर ऑन कार में आपका स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और मेरे बैकड्रॉप पे है अक्षरधाम। तो दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। आपको पता हो यहाँ से 69 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है और इसका हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी टेस्ट इन द सेंस, कहा जाता है कि दिल्ली से मेरठ अब आप मात्र 45 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो लेट्स सी क्या हम रियली 45 मिनट्स में पहुंच पाएंगे कि नहीं। यहां से मेरठ 69 किलोमीटर दूर है। फिलहाल टाइम हो रहा है 12:05। तो लेट्स सी क्या हम 45 मिनट्स में पहुंचते हैं कि नहीं। आगे इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में हूं, अक्षरधाम पर हूं और हम जा रहे हैं मेरठ, वो भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है जो ओवरऑल 69 किलोमीटर का बनाया गया है। ये एक एक्सप्रेस वे है जो क्योंकि मेरठ जो है वो NCR का ही पार्ट है, तो कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए, बेटर करने के लिए और मेरठ के लिए बहुत ही सुंदर सौगात दिया गया है थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आज हम उसी एक्सप्रेसवे को यूज कर रहे हैं और देखना चाहेंगे क्या एक्चुअली जो बोला गया है दिल्ली से मेरठ मात्र 45 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:12। सी क्या हम एग्जैक्टली 45 मिनट्स में पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो अभी फिलहाल मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर है, दिल्ली के अंदर है। अक्षरधाम को जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है, पांडव नगर इलाका है ये और पटपटगंज मेरे लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में मयूर विहार Phase 1 Phase 2। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा सुंदर एक्सप्रेसवे है ये, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अराउंड 14 लेन्स, मतलब 7 लेन एक तरफ 7 लेन दूसरी तरफ। थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा नैरो होगा बट स्टिल इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। स्पीड अभी हम जो मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त, जो हम स्पीड जिस स्पीड चल रहे हैं स्पीड पे फिलहाल दिल्ली के अंदर, तो अभी हम 60-70 की स्पीड पे चल रहे हैं। बट द मोमेंट हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो हमारी स्पीड वुड बी अराउंड 80-100 के बीच में रहेगी। आई होप हम एग्जैक्ट 45-50 मिनट्स के अंदर पहुंच सकें, क्योंकि हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं क्या ये रियली में 45-50 मिनट लगेगा या वो ही 1.5-2 घंटे लगने वाले हैं। चलो बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये एक्सप्रेसवे कितना जबरदस्त एक्सप्रेसवे है। मतलब अगर मैं लेन्स अगर अभी काउंट करने बैठूं, 1, 2, 3, 4 उस साइड सिमिलरली 1, 2, 3, 4 देन उसके बगल में, मतलब 10 लेन्स तो मैं ही गिन पा रहा हूं, वो भी एक तरफ। कितना बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मैं एक्सप्रेसवे में हूं और राइट साइड में है नोएडा और लेफ्ट साइड में अगर हम धीरे धीरे जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट साइड में ये हमारे आ जाता है शिप्रा मॉल और ये गाजियाबाद इंदिरापुरम का एरिया है। तो आप देखिए कितना शानदार, कितना मस्त एक्सप्रेसवे है, मजा आ रहा है इस पर चलाते हुए।
इस वक्त मैं हूँ मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे में और मेरे बैकड्रॉप पे है मेरठ एक्सप्रेसवे। वाह, देख पा रहे कितनी शानदार रोड है, कितनी बड़ी रोड है। फोर लेन एक तरफ, फोर लेन दूसरी तरफ, टोटल 8 लेन का ये हाईवे है। और जस्ट मेरे बैकड्रॉप में अगर आप देख रहे हो तो खेत खलियान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये एक्सप्रेसवे है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं सीधा मेरठ। मजा आ रहा है, बहुत ही शानदार, लवली। मतलब 100 पे गाड़ी चल रही है, इससे ज्यादा भगानी भी नहीं है। और गाड़ी लग नहीं रहा 100 पे चल रही है, ऐसा लग रहा है वी आर स्टिल ऑन 50 किलोमीटर की स्पीड पे होगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्मूथ एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और पता भी नहीं चला कब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कैसे चढ़े। जो हमारा डासना हापुड़ को रास्ता जा रहा था वहां से कैसे डाइवर्ट हुआ, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशनिंग हुई है। और इतना प्यारा, इतना शानदार ये एक्सप्रेसवे है। आप देखो कितनी खुली रोड है, मतलब छोटे छोटे पेड़ लगाए, डिवाइडर्स बड़े सुंदर बनाए, साइन बोर्ड्स बहुत अच्छा लगाया गया है। बट हाँ, एक सबसे बड़ी चीज वो ये, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इस एक्सप्रेसवे पे उल्टे आ रहे हैं, मतलब रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, विच इज रियली बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, फिर भी आप उनको सुधार तो सकते नहीं, चलते हैं आगे मेरठ की ओर। हम पहुंच चुके हैं मेरठ में, और मेरठ पे मैं हूं इस वक्त बर्तापुर फ्लाईओवर के ऊपर। टाइम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शायद दिख रहा होगा आपको टाइम, 1:08। और ये 1:08 इसलिए है, मींस हमें टाइम कितना लगा, 12:12 हमने स्टार्ट किया था, 1:08 हमें 1 घंटा हो रहा है। बट गाजियाबाद की तरफ ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे एक चिप्याना एक जगह पड़ती है, जहाँ पे कि एक फ्लाईओवर बना था जो रेलवे ट्रैक के ऊपर है, वहाँ पे थोड़ा 10 मिनट का ट्रैफिक जैम था एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्योंकि वो अभी तक पैच कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ यस, ये एक्सप्रेसवे ने अपना रियलिटी टेस्ट पास कर लिया है, एग्जैक्ट 50 मिनट में दिल्ली से आप मेरठ पहुँच सकते हैं, एग्जैक्ट 50 मिनट में। और नोएडा से मेरठ आने में हार्डली 30 मिनट, गाजियाबाद से नोएडा मेरठ आने के लिए मात्र 20 मिनट, और ये रियलिटी टेस्ट हमने क्लियर कर। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं मेरठ में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमने यूज किया और फिलहाल अपने डेस्टिनेशन मेरठ पे आ चुके हैं। टोटल टाइम हमारा लगा 50 मिनट। तो जो हमारा रियलिटी टेस्ट था दिल्ली से मेरठ पहुंचने का, क्या वो 50 मिनट में पूरा होगा? Yes, पूरा हुआ। एग्जैक्टली 50 मिनट के अंदर अक्षरधाम से मेरठ के सिटी के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। मैं ये चाहूंगा अगर आपको मेरा चैनल, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे भी मैं आपको नई नई चीजें दिखाता रहूंगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।